आज हम बताएंगे आप लोगों को बिना अंडे का ऑमलेट कैसा बनता है, और बहुत इजी है, बहुत जल्दी आप घर में बना सकते हो जो विदाउट अंडे का ऑमलेट। सॉरी, तो हम शुरू करते हैं। थोड़ी सी बेसन है ये, और ऑमलेट को, और ये मैदा है। बेसन के साथ आप थोड़ी सी मैदा जो है वो डाल सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जो अंडा में जो स्मूथनेस है वो आपको इस अंडे में आ जाएगा। तो ये हम थोड़ी सी प्याज और कैप्सिकम डाल देते हैं, और ये थोड़ी सी नमक है स्वाद अनुसार। अब हम इसे थोड़ी सी पानी डालेंगे। देखिए इसका चिल्ला भी बनता है, तो चिल्ला के लिए जो है सिर्फ बेसन का ही बनता है, और अगर ये ठीक रहे तो फिर चिल्ला बन जाएगा, और ये बैटर जितना पतला होगा वो उतना ही अच्छा ऑमलेट और स्मूथ ऑमलेट बनेगा। तो ये हमारे बैटर ऑमलेट जो है वो रेडी है, और ये अभी ओवन में जाने के लिए तैयार है। एक चीज आप लोग ख्याल रखें, ये पतला होना चाहिए, और सबका अलग अलग रेसिपी है। ये जो है ये मेरा रेसिपी है, ये मैं अपने पर्सनल रेसिपी जो है वो आप लोगों से शेयर करूँ। अभी ये 2 मिनट में तैयार होके निकलेगा। ये अभी तैयार है, आप देख सकते हैं कैसा स्मूथनेस है, सेम आपको ऑमलेट दिख रहा है। तो ये हो गया बेसन का ऑमलेट बिना अंडे का ऑमलेट, अभी ये खाने के लिए रेडी है। आप घर में इसे ट्राई करिए, बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही अच्छा बनता है। ये मेरा पर्सनल रेसिपी है, आप ट्राई कर सकते हैं इसे। जो अंडा नहीं पसंद करते हैं, सेम अंडे की टेस्ट इसमें आएगा, मैं तो कहता हूँ उससे भी अच्छी टेस्ट आएगी इसमें।